लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में जुट गई है। इसी श्रृंखला में आज भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए ने पत्रकारों से आयोजित पत्र परिषद के दौरान विविध विषयों पर संवाद साधा। इस दौरान वे बोले कि नागपुर में जेपी नड्डा के बाद अमित शाह करेंगे विदर्भ के 6 लोकसभा सीटों पर बैठक करेंगे। नागपुर में 4 मार्च को जेपी नड्डा नमो युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में देश भर से 1,00,000 युवा शामिल होंगे। वहीं विदर्भ में 5 मार्च को अमित शाह अकोला में 6 लोकसभा सीटों पर क्लस्टर समिति की बैठक लेंगे। क्लस्टर समिति की बैठक में चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, अमरावती, यवतमाल लोकसभा सीटों पर विदर्भ की पदाधिकारियों से चर्चा कर एनडीए को कैसे 51% वोट इस चुनाव में हासिल कर सकते हैं, इस पर मंथन किया जाएगा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी 7 मार्च से लेकर 15 मार्च तक महाराष्ट्र के हर गांव में बीजेपी एक बॉक्स रखेगी, जिसमें नागरिक से सुझाव मांगे जाने वाले हैं कि आने वाले 2024 से लेकर 2029 तक मोदी ने कौन से कार्य करने चाहिए। दोन आमच्याकडे क्लस्टर आहेत, नागपूर क्लस्टर वेगळा आहे, चंद्रपूर क्लस्टर वेगळा आहे आणि अकोला क्लस्टर वेगळा आहे। या राज्यात 15 क्लस्टर 48 लोकसभेला आहे। अमित भाई दोन क्लस्टरची बैठक घेणार आहे। नागपूर क्लस्टरची बैठक आत्ता फग्गन सिंह जी कुलस्ते यांनी घेतलेली आहे, त्यामुळं ही बैठक अमित भाई घेत आहे असं नाही आहे। पण महायुती आहे, एनडीए आहे, एनडीएच्या संपूर्ण सीट कशा निवडून येतील याकरता ही बैठक आहे। वही बावनकुए ने उद्धव ठाकरे के विषय में कहा कि भविष्य में उनकी हालत हम तो हमारी दो जैसी रहेगी, क्योंकि उन्हें जनता और कार्यकर्ताओं ने छोड़ दिया है। नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। भोजन का निमंत्रण देना, शरद पवार जी जो जो बारामती जाते हैं, जो भी जाते हैं उनको निमंत्रण देते ही है, उनके हमेशा ही निमंत्रण रहता ही है। उन्होंने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आए तो उनको निमंत्रण दिया होगा, लेकिन महासम्मेलन जब है इतना बड़ा, सॉरी जनता के लिए इतना बड़ा, वहाँ पर रोजगार मेलावा और सरकार की सारी योजनाओं को लेकर जितना बड़ा काम वहाँ पर है, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा है कि हम निश्चित रूप से आएंगे, लेकिन इस बार कार्यक्रम की व्यस्तता देखते हुए आज नहीं आ सकते, लेकिन कभी ना कभी तो आएंगे, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। कांग्रेस ने नितिन गडकरी के वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया में डालने के बाद जहां गडकरी ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को लीगल नोटिस भेजा है, वहीं बावनकुले ने इस विषय में कहा कि हम इस चीटिंग का निषेध करते हैं। नितिन गडकरी जी ने इतने वर्षों से जो जनता के हित में कार्य किए हैं, उन्हीं के साथ ऐसी चीटिंग करने वालों को जनता छोड़ेगी नहीं। साथ ही 2024 के चुनाव में नितिन गडकरी 65% वोट लेकर जीत हासिल करेंगे। नवनीत राणा आणि आमच्यासोबत सहकारी सर्वांना आम्ही बोलवलं आहे, त्यामुळं पक्षप्रवेशाचा कुठलाही सोहळा नाही। की मिश्किलपणे एखादी गोष्ट आपण जेव्हा कुणाशी बोलतो, त्या गोष्टी व्हायरल करणे, त्या गोष्टीबद्दल चर्चा करणे, ना विश्वजित कदमांना कधी आम्ही म्हटलं आहे पक्षात या, देवेंद्रजी कधी म्हणत, पण मिश्किलपणे काही गोष्टी आपण बोलत असतो। कॅमेरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।